अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियालकोट में कत्ल की लज्जाखेज वारदात सामने आई है। ज़ारा नामी खातून जिसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ सास और नंद ने कत्ल किया है और जो अहम इंकशाफात हैं वो सामने आ चुके हैं। गिरफ्तार मुलजमान जो हैं इन्होंने अहम ऐसे इंकशाफात किए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। अपने ही बहू को किस तरह से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया, कत्ल की जो बड़ी वजह है वो सामने आ चुकी है। वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने साथ जो है वो शेयर करूंगा। पुलिस रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पुलिस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात सामने आए हैं आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। कत्ल के लज्जाखेज वारदात सियालकोट के इलाका डस्का में पेश आई है। कत्ल जो है वो सास और नंद ने मिलकर किया, वालिद ने बड़े इंकशाफात किए हैं। वालिद का क्या कहना है, वालिद जब मौके पर पहुंचे, मकतूला के जो वालिद हैं उनका क्या कहना था, जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, कहते हैं इस बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो सबसे अहम बात है वो है कि कत्ल क्यों किया गया, कत्ल की बड़ी वजह क्या थी, कत्ल करने के पीछे असल मकसद क्या था। तो नाज़रीन हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जा चुका है, हमारे यहाँ ये जो घरेलू तनाजे हैं, घरेलू झगड़े हैं, जिनको हम शायद बहुत मामूली लेते हैं, लेकिन क्या पता कि कल को यही जो मामूली झगड़े जिसको हम आम झगड़े कहते हैं कि ये किसी की जान ले सकते हैं। और ऐसा ही वाकया सियालकोट के इलाका डस्का में पेश आया, जहां पर ज़ारा नामी खातून जिनके शौहर जो है वो बैरून मुल्क होते हैं, सऊदी अरब में जो है वो नौकरी करते हैं, और एक महीना कबल ही जो है वो ज़ारा वापस अपने शौहर के साथ आई थी और वो हामला थी, प्रेग्नेंट थी, और उन्हें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया डस्का में। हुआ कुछ यूं कि शौहर की अपनी बीवी से मोहब्बत करने पर, यानी कि शौहर ख्याल रखता है, मोहब्बत करता है, जाहिर सी बात है शौहर जो है वो जब एक, याद रखें एक बात हमेशा से, जो कि हमारे यहाँ असल में मसला क्या है कि हमारा जो कल्चर बन चुका है, हमारा जो मुआशरा है, हमारे हर घर की ये कहानी है। सिर्फ ये एक ज़ारा की कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि मीडिया पर नहीं कभी आई, लेकिन वो कहानियाँ भी इसी तरह से हैं। शौहर अगर बीवी से मोहब्बत करता है तो उसके जो घर वाले हैं, जो शौहर की वालदा है, यानी उस लड़के की वालदा और उसकी बहनें, वो सब हसद करने लगती हैं कि हमारे बेटे को तो हमारी जो ये बहू आई है, ये जो हमारी घर में ये खातून आ चुकी है, ये हमारे बेटे को छीन रही है, और इसी तरह होता है। और वो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत पैदा हो जाती है। ये ही जो मसाइल है, मसाइल क्या, ये नफ्सियाती मसला है, सबसे बड़ा नफ्सियात का मसला है। जब आप अपने बेटे की शादी कर देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो उसकी ज़िंदगी के ऊपर असल हक है, याद रखें वो हक उसकी बीवी का है, वो हक उसके बच्चों का है। इसी तरह हो क्या रहा है कि अगर एक जो आपकी बेटी है उसका जो शौहर है, यानी बेटी का शौहर अगर वो उसकी केयर करता है, तो फिर उसकी उस लड़की के घर वाले जो हैं वो हसद करने लगते हैं और वो क्या कहते हैं जी कि ये जो लड़का है ये हमारी बेटी को हमसे छीन रहा है। ये जहालत है, इतनी बड़ी हमारे माशरे में जहालत है जिसकी इंतहा नहीं, और यही जो जहालत है वो ज़ारा को कत्ल कर गई। और आप ये देखें कि इस ये जो मुलजमा है, जो इसकी सास है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जबकि इस पुलिस ने सारी तफ्तीश की, इसमें कोई अपना जो है वो हकायक नहीं थे कि जी ये हमारी जो बहू है वो जादू टोना करती थी और जादू टोने की वजह से जो है वो हमने अपनी बहू को कत्ल कर दिया, जबकि ऐसा कुछ वाक्य नहीं था। वाक्य कुछ यूँ है कि सिर्फ हसद करने की वजह से इन्होंने अपनी बहू को कत्ल किया। और जो मकतूला के वालिद हैं वो कहते हैं जी कि मैं सुबह कॉल करता रहा लेकिन कॉल ना मौसूल हुई, कॉल पे जब अटेंड नहीं हुई, जब मेरी कॉल नहीं अटेंड तो फिर मैं घबराया और परेशान हुआ क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट भी थी और काफ़ी जो है वो परेशानी के आलम में मैं अपने करीबी, क्योंकि ये जो ज़ारा की शादी है वो खाला के घर में हुई थी, बहुत करीबी रिश्ता था, जिसको हम कहते हैं ना जी कि जो अपने हैं वो तो कुछ जो पराए होते हैं वो तो पराए होते हैं, वो तो बुरे होते हैं, जो अपने हैं वो बुरे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर देखें कि सगी खाला थी, सगी खाला ने और उसकी कज़न ने मिलकर उसे जो है वो कत्ल किया। और जब वालिद जो है वो घर पहुंचता है और घर जाकर देखता है कि घर में इतनी ज़्यादा सफाई हुई हुई है और अचानक जो है वो जो
कजन है मकतूला की, वो सामने आती है, जो नन थी वो सामने आती है और वो कहती है कि आपकी बेटी तो भाग गई है, आपकी बेटी तो जो है वो कहीं सामान सुमून उठाकर जेवरात अपना लेकर कहीं भाग गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो इसमें जो वालिद है उसे काफी तश्वीश होती है, मकतूला के वालिद जो है वो अंदर कमरों में चेक करने लगते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, किस कमरे में होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, वो तो अपने शौहर के साथ बड़ी मोहब्बत रखती है। तो जब अंदर गए तो वहां पर जो बेटा है वहां पे मौजूद था, बच्चा मौजूद था जारा का, और जारा अब उम्मीद से थी और मकतूला के साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। और जैसे ही बच्चे को देखने के बाद वालिद मजीद परेशान हो जाता है कि इसका मतलब है कि मेरी बच्ची तो यहां पे है और ये फिर घर की जो सफाई की गई है, घर को इतना धोया गया है, जिस पर जाहिर सी बात है पुलिस ऑफिसर था उसको शक हुआ और उसने अपने बड़े भाई को बताया। सारा माजरा बताने के बाद पुलिस के साथ राबता किया गया, 15 पे कॉल की गई, 15 पे कॉल करने के बाद जो है वो पुलिस हरकत में आई और फिर जो है वो कानून की गिरफ्त में ये तमाम मुलजमान आ गए। इन्होंने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए, जैसा कि शुरू में इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारे घर में, हमारे खानदान में जो पोतियां हुई हैं वो हमारी बहू की वजह से हुई हैं। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब जो असल हकायक हैं वो सामने आ चुके हैं। इनको रंज था, इनको तकलीफ थी, इनको ये लगता था कि जारा इनके बेटे को छीन रही है या छीन चुकी है, और अगर अब बेटा हुआ तो फिर मजीद जो है वो जो जारा की शौहर जो है उसका वो गिरफ्त में आ जाएगा और हमें, हमसे जो है वो छीन लेगी। ये इसे कहते हैं जहालत जो हमारे यहां है। सॉरी माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं, माजरत हूं, लेकिन हकीकत यही है, यही हमारा मुआशरा है, यही हमारी सोच है, यही हकीकत है। हम लोगों का जो असल चेहरा है वो यही बदनुमा चेहरा है, जो मैं ये हम सहसा ये यही हकीकत है। हर घर की यही कहानी है, ये कि सिर्फ एक जारा के साथ नहीं हुआ बल्कि ऐसे बहुत सारी जारा हैं जिनके साथ ऐसा होता रहा है और हो रहा है। मसला क्या है कि हमारे यहां हम लोग ये समझते हैं कि बहू आ गई तो ये बहू जो है वो तो हमारा जो बेटा है जी वो जो छीन लेगी, वो तो छीन लेगी पहले दिन से। हम लोग ये सोच ये जो हमारा दिमाग है ना, ये जो मसला क्या है, हम लोग, हमारा ये कल्चर बन चुका है, ये जो हमारा मुआशरा है, हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। जबकि हम अगर बाहर के ममालिक की तरफ चले जाएं, हम अगर यूरोप चले जाएं तो वहां पर हमें कोई ऐसी सोच नहीं पाई जाती, वहां पर हर बंदा अपने काम से काम रखता है। देखें सबसे पहले आपको ये अपनी सोच खत्म करनी पड़ेगी। जरूरत इस अमर की है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आगाही हो लोगों को, शऊर ही नहीं है। जब हमें शऊर ही नहीं है, सबसे पहले तो हमें शऊर आना चाहिए। जहालत से कब तक हम इस जहालत में जो है वो रहेंगे, कब तक हम इस जहालत से नहीं निकलेंगे। और हमारे यहां क्या होता है कि अगर एक मां गलत है ना तो पूरा उसका खानदान जो है ना उसे सपोर्ट करने पर लग जाता है, उसके बेटे, उसकी वालदा, माफ कीजिएगा, बेटे और उसकी बेटियां सारे सपोर्ट करते हैं। ये नहीं करते कि हमारी अगर मां गलत है तो उस मां को समझाया जाए, उसको उसका जो पागलपन है उसको ठीक किया जाए, उसको उसके पागलपन को नहीं ठीक किया जाता, उसे समझाया नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि उसके गलत काम में भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट किया जाता है। ऐसा ही हुआ जारा के साथ। इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर एक लड़का अपनी बीवी से प्यार करता है, अपनी बीवी का ख्याल रखता है, वो उसकी जो लड़की के जो घर वाले हैं वो इस बात पर खुश नहीं होते कि यार वो देखो जी हमारा तो दामाद, हमारा तो बहनोई जो है वो हमारी बहन का या हमारी बेटी का कितना ख्याल रखता है। नहीं, उनको लगता है कि हमारी जो बेटी है उसको छीनना चाह रहा है, उसको छीन चुका है या उसको छीन लेगा। ये जहालत है, ये ऐसी जहालत है जो हमारे यहां पाई जा रही है। और आए रोज इस तरह के कत्ल की वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं, कत्ल करने की कोशिश जो है। इससे पहले यहां मैं आपको इंकशाफ करूं कि जारा के वालिद का कहना है कि इससे पहले भी ये लोग जो है वो उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी हमेशा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि नहीं, वो तुम्हारी खाला है, उनसे आहिस्ता आवाज में बात किया करो, उनके साथ लड़ा ना करो। छोटी मोटी जो है वो नोक झांक जो है वो हर घर में होती है और हर घर में इस तरह की चीजें चलती हैं, तो घबराओ नहीं, हाँ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करो। यही हम लोग क्या करते हैं, जब हर बात को बहुत ही मतलब समझते हैं कि मामूली लेते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जिस मुआशरे में हम मौजूद हैं, जिस कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, वहां पे ये चीजें जो है वो मायने नहीं रखती हैं। ये सुलझे हुए लोगों की सोच है, लेकिन आगे देखना ये है कि आगे जो लोग जिनके साथ हम रह रहे हैं या जिनके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसको हम समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो सब कुछ जो है ना एक वहम है हमारा, वहम नहीं होता। असल में
हमारे यहाँ जो तब्दील होने की जरूरत है वो हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा, जो हमारे घर घर की जो ये कहानी है वो तब्दील होने की जरूरत है। और अगर आप दो चार पांच लोगों को सख्त किस्म की सजा दे दें, ऐसी सजा दें, इबरतनाक दें, तो फिर आप देखेंगे कैसे लोग सीधे जो है वो होते हैं। जिस तरह से जारा के साथ इंतहाई जो है वो दिल दहला देने वाला वाक्या जो है वो पेश आया, जारा को किस तरह से बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया गया, और वो भी जुर्म किया था, सिर्फ इतना सा जुर्म था कि जारा अपने शौहर से मोहब्बत करती थी और उसका शौहर जो है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। उन दोनों मियां बीवी का ये जुर्म ठहरा। और अब आप सोचें कि जारा के जो एक बच्चा तो उसके कोख में ही मौत हो गया, इंतकाल हो गया उसका, और दूसरा बच्चा जो है वो अब किस तरह से जिंदगी जो है वो गुजारेगा, उसका शौहर जो है वो इस वक्त कितना परेशान होगा, उसका शौहर जो है उस पर क्या बीत रही होगी। तो बराए करम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। ये जो जहालत है, ये जो जहालत के अंदर आप लोग चल रहे हैं, इस जहालत से निकलने की, खुद को इस जहालत से निकालने की कोशिश। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।